नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग, एन एजुकेशनल ब्लॉगिंग चैनल। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूरा कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 प्लस वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बनाया है, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, हॉस्टल, प्लेइंग ग्राउंड, गार्डन, स्टूडेंट इंटरेक्शन, अंदर की ढेर सारी प्रतिभाओं को हम निकाल करके बाहर आपके सामने दिखा रहे हैं। और आज के इस कड़ी में हमने जोड़ा है साइबर लाइब्रेरी को। इसके पहले हमने सेंट्रल लाइब्रेरी को पूरा ब्लॉक कर दिया था, तो लोगों का रिक्वेस्ट था कि साइबर लाइब्रेरी भी ब्लॉक किया जाए, तो हम आज आपको साइबर लाइब्रेरी दिखाने आए हैं। साइबर लाइब्रेरी में ढेर सारी सुविधाएं छात्रों को दी जाती हैं। एक मॉनिटर दिया जाता है, एक कीबोर्ड दिया जाता है, एक माउस दिया जाता है, एक सीपीयू दिया जाता है, एक चेयर दिया जाता है और पूरा कंपार्टमेंट दिया जाता है। तो वाकई में ये दिया क्या जाता है, कैसा है, किस बनावट का है, किस रंग का है, कितने पैसे का है, किस कंपनी का कंप्यूटर दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है और वाईफाई हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन में हमें कितना वाईफाई BHU देती है, थोड़ा सोचिए, बहुत ज़्यादा। आपको सारा अगले आने वाले कुछ मिनटों में सब कुछ बता दिया जाएगा, तो ये पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों, ये हमारा जो गेट है, जो सामने आपके जो कैमरे की दिख रहा है, ये साइबर लाइब्रेरी के लिए बना हुआ है। और साइबर लाइब्रेरी इनसाइड कैंपस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में है। और आज आपको साइबर लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। साइबर लाइब्रेरी में अंदर ढेर सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन पढ़ने में मदद करते हैं। तो साइबर लाइब्रेरी साउंड्स लाइक लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो आज हम आपको BHU का ऑनलाइन लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। ये भी नया नवेला नेस्कैफे बना है, जहाँ पर आपको कॉफ़ी पीने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी ऐसे साइकिल खड़ी करते हैं सब लोग, सबके लिए एक नियम है। और देख सकते हैं वहाँ तक आप अपनी पार्किंग लगा सकते हैं। ये है साइबर लाइब्रेरी का पूरा बिल्डिंग। साइबर लाइब्रेरी के जस्ट बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी कवर किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आगे चल के दिखाऊँगा कि साइबर लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी एक पास सटा सटा है। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा स्टैंड। हम इसी रास्ते से अभी अंदर आए थे और अभी हम साइबर लाइब्रेरी जाकर के दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं साइबर लाइब्रेरी के जस्ट बगल में, दोस्तों साइबर लाइब्रेरी के जस्ट बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी को अंदर तक कवर किया गया है, बुक स्टॉक सब, ईच एंड एवरी थिंग, अंदर एक एक कोना साइबर लाइब्रेरी का दिखाया गया है, कुछ छूटा नहीं है। और हम देख सकते हैं कि साइबर लाइब्रेरी के सामने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है रोड के उस पार, जिसको कवर किया जा चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आप देखिए, ये है UGC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पे UGC का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर भी है, लेकिन इसके लिए हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ साइबर लाइब्रेरी देखने वाले हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी वो रहा आपके सामने, सेंट्रल लाइब्रेरी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम सिर्फ साइबर लाइब्रेरी देखने वाले हैं। चलिए अंदर से देखते हैं क्या है साइबर लाइब्रेरी। यहाँ पे हम अपनी जितने भी बैग लेकर के आते हैं वो बैग यहाँ पे सबमिट करते हैं। साइबर में बैग ले जाना अलाउड है, सेंट्रल में बैग ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी आपके सामने वो रहा, खूबसूरत सा जो दरवाज़ा दिख रहा है। और ये रहा बैग रखने की जगह, यहाँ पर बैग रखी जाती है, यहाँ पर लोग पानी वानी पीते हैं। आप देख सकते हैं ये बैग रखने वहीं पर जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ये रहा गेट। आप देख सकते हैं सयाजी राय गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय, साइबर लाइब्रेरी अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आज हम आपको ये पूरा साइबर लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। और आइए, तो अब हम इसके अंदर जब जाएंगे, यहाँ पे चेकिंग के लिए हमेशा गार्ड लगे रहते हैं। आप अपना एंट्री करेंगे, नाम लिखेंगे, ID दिखाएंगे, तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। हर जगह कैमरे लगे होते हैं। और क्या नियम है एक साइबर लाइब्रेरी का, यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। ये डेडलाइन उनके लिए होता है जो छात्र होते हैं। और ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, तो दोनों। अब फाउंडेशन स्टोन को थोड़ा पढ़ेंगे। ये बनाया आपका 3 मार्च 2013, डॉक्टर करण सिंह जब यहाँ के वाइस चांसलर थे,
वाइस चांसलर नहीं लिखा है, डॉक्टर लालजी सिंह वाइस चांसलर थे और लालजी सिंह ने अपने कार्यकाल में ढेर सारे काम करवाए हैं। जितने भी इनॉग्रेशन आप देखेंगे लालजी सिंह पंजाब सिंह इन्हीं द्वारा करवाया गया है। और आगे आएंगे भैया, प्रणाम, कैसे हैं? तो ये है हमारा एंट्री डोर, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे फिर अंदर आएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे छात्र पढ़ रहे हैं, लोग ऐसे ही अपने पठन पाठन प्रक्रिया में बने रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोग लेक्चर देख रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो साइबर लाइब्रेरी ऐसे इम्पोर्टेंस देता है हमें, और जो साइबर लाइब्रेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं वही साइबर लाइब्रेरी जस्ट सेम कंपार्टमेंट ऊपर भी बना है, मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊँगा। और तो देखिए वाकई में दिया क्या जाता है आपको, एक मॉनिटर दिया जाता है, एक कीबोर्ड दिया जाता है, एक माउस दिया जाता है, एक सीपीयू दिया जाता है, एक चेयर दिया जाता है और एक ये लैंप दिया जाता है। ये लैंप होता है। तो आगे आएंगे, सबको अपना अलग अलग आईडी पासवर्ड दिया जाता है जिससे आप अपना खुद का इंटरनेट एक्सेस करेंगे, खुद इंटरनेट यूज़ करेंगे। और भी आपको कोई अलग ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर में इंटरनेट है ऑलरेडी, नहीं, जो स्टूडेंट हैं उनको आईडी पासवर्ड मिलता है और वो उसी आईडी पासवर्ड के अनुसार काम करते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत एक अच्छी स्पीड से वाईफाई चलती है। अगर हम तो दोस्तों ऊपर भी सेम ऐसा कंपार्टमेंट बना हुआ है, हम ऊपर लेके चलते हैं आपको। और देखिए यहाँ पे सारी सुविधाएं, एसी लगी होती है गर्मी में, ठंडी में तो गर्म है ही अंदर। तो ये है हमारा साइबर लाइब्रेरी। और अब हम आएंगे सेकंड फ्लोर पे। अगर हम बात करें दोस्तों, ये लेडीज़ रेस्ट रूम है, लेडीज़ बाथरूम बना हुआ है, इधर हम नहीं जा सकते। और ये ऊपर जाने का रास्ता है। कुछ खास बात इसके बारे में, साइबर लाइब्रेरी के बारे में, बस इंटरनेट होता है, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई प्रोवाइड कराई जाती है, वाईफाई के माध्यम से आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप भी मिलते हैं। अच्छा, एक दिन में कितना जीबी वाईफाई हमको दिया जाता है बीएचयू द्वारा? वैसे रिस्ट्रिक्शन तो कुछ नहीं है, पर लोग कहते हैं कि 4 GB डेटा है, पर अगर आप एक बार, अगर आपका विदाउट इंटरनेट ब्रेकेज अगर आप यूज कर रहे हो कंटिन्यूअस अगर कनेक्शन से जुड़े हैं तो अनलिमिटेड डेटा आप यूज कर, एक दिन में 100 GB भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसका। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ बनी होती है जिसको आपको फॉलो करके ऊपर आना पड़ता है। और ऊपर आप जैसे आएंगे देखेंगे ये एक अलग साइबर लाइब्रेरी है, नीचे अलग फ्लोर था, ऊपर अलग फ्लोर है, विशेषताएँ सबकी एक हैं। और देख सकते हैं यहाँ से खड़े होने के बाद और भी दिखाते हैं आपको कुछ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? काफ़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं
और हमने आज आपको दिखाया साइबर लाइब्रेरी। साइबर लाइब्रेरी एकमात्र लाइब्रेरी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जो कि इस समय NIRF के रैंकिंग से थर्ड पे आती है इंडिया में। तो सारी चीज़ें आपने देख ली, एक क्या अगला वीडियो आपको क्या देखना है और इस लाइब्रेरी में क्या सुधार किए जाने चाहिए, या फिर आपको ये लाइब्रेरी कैसा लगा एक बार ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक हमें भी दीजिएगा, साथ साथ BHU एडमिनिस्ट्रेशन को भी दीजिएगा कि हाँ चीज़ें एकदम बहुत अच्छी हैं, अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो क्या बदलाव की जा सकती हैं। आप अपना कमेंट के थ्रू राय ज़रूर दे सकते हैं, सब कुछ हिडन रहता है, नहीं पता चलेगा, आप पे कोई केस भी नहीं होगा। खुल करके अपने बातों को कमेंट में रखिए और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आपका भाई हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, जय जवान, जय किसान।